सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो इस वीडियो में बात होने वाली है BGMI में पॉपुलैरिटी कैसे बढ़ाएं। तो इस पे ऑलरेडी यूट्यूब पे कई लोग वीडियो बना चुके होंगे, लेकिन मैं फिर भी बना दे रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा मैंने बढ़िया तरीका खोज लिया है और आसान तरीका खोज लिया है पॉपुलैरिटी बनाने का। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, मेरा पॉपुलैरिटी यहाँ पे 6.8K है। तो ये मुझे कैसे मिला, तो अभी देख सकते हैं हम लोग का क्लैन जो है वो लेवल 5 पे तो पहुँचा नहीं, इसलिए लॉक है। तो यहाँ से तो हम लोग पॉपुलैरिटी बना नहीं सकते, और ज़्यादा अभी फ्रेंड्स भी नहीं है। गिन के 16 फ्रेंड्स हैं, उसमें से भी एक ही दो हैं जो पॉपुलैरिटी में मुझे भेजते हैं, तो इस हिसाब से तो बहुत कम पॉपुलैरिटी मेरे पास। तो इसका मैंने तरीका खोजा है। अभी मैं BGMI iOS के बारे में भी बताऊंगा, उससे पहले मैं पॉपुलैरिटी के बारे में बता दूं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको पबजी ग्लोबल इंस्टॉल करना होगा। गाइज़ ये मेरा पबजी ग्लोबल ID है, जो कि सेम देख लीजिए आप, मिस्टर स्टार्क नाम से है। तो अब हमें करना क्या, अगर आपने आप सोच रहे ग्लोबल कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो आप बेसिकली आपको पता ही होगा, जैसे KR खेल लेते हैं, VPN लगा के ग्लोबल डाउनलोड कर लीजिए। फिर उसके बाद करना क्या है, यहाँ पे कुछ इवेंट्स चलते रहते हैं, जैसे देखिए ये वाला अभी इवेंट चल ही रहा है। तो यहाँ से आप इन सबको मिशन करिए और इससे ये जो बाइक है उसको रिडीम करिए। अभी देखिए मैं डेली कर लेता हूँ, मैंने 2 और बचे हैं मेरे बाइक रिडीम करने के लिए। तो यहाँ से रिडीम करिए, और भी जो इवेंट्स आते रहते हैं BGMI मतलब पबजी ग्लोबल में। तो देखिए यहाँ पे देखिए बाइक का इवेंट चल रहा है, यहाँ से भी मैंने दोनों रिडीम कर लिया है। तो यहाँ से आप ग्लोबल पे जितना हो सके उतना पॉपुलैरिटी कलेक्ट करिए। अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं मेरे पास 22 बाइक है, 2 क्या नाम है इसका रेड पैकेट है, 1 अंगूठी है जिससे 400 पॉपुलैरिटी मिलती है, 1 चिकन है और पिज़्ज़ा हट है 500। तो इससे काफ़ी मुझे पॉपुलैरिटी मिल जाएंगी। तो अभी करना क्या है आपको, बस जितना हो सके, ज़्यादा कुछ नहीं करता मैं, बस डेली एक बार पबजी ग्लोबल ऑन करता हूँ, एक मैच खेलता हूँ, एक दो मैच खेलता हूँ, उसमें मेरा ये सब मिशन हो जाता है। फिर करना क्या है, बंद करना, सारा कलेक्ट करना है, सब कलेक्ट करने बाद। और हाँ एक चीज़ और, ये तो कर ही लेंगे, और एक काम करिएगा, क्लैन जाइएगा, क्लैन में कोई क्लैन में अगर आप ज्वाइन नहीं है तो कोई लेवल 6 का क्लैन ढूंढ लीजिए, और उसमें यही या तो आप यही क्लैन प्रोफेज नाम से इसी क्लैन को ज्वाइन कर लीजिए, डायरेक्ट ज्वाइन हो जाएगा। तो यहाँ से आप जब मैच खेलेंगे तो आपको ये फ्रैगमेंट तो मिलता ही रहेगा, तो इससे आप डेली एक एक बाइक खरीदते रहिए, डेली एक एक खरीदते रहिए। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको डेली बाइक भी मिलता रहेगा, अगर कोई इवेंट नहीं भी चल रहा होगा तो उसके अलावा भी आपको बाइक मिलता रहेगा, तो ये अच्छी चीज़ है। तो इस तरह मैंने इतना कलेक्ट कर लिया, तो मैं अभी और भी कलेक्ट करता रहूँगा। फिर जब ऐसा लगेगा कि हाँ अब मेरे पास काफ़ी हो गया BGMI में, तो मैं इस ID को BGMI में ट्रांसफ़र कर दूंगा, और ट्रांसफ़र करना तो आपको पता ही है, बस कुछ नहीं करना होगा, ट्रांसफ़र करना होगा। पॉपुलैरिटी तो आपका इन्वेंट्री में हमेशा रहेगा ही, उसको बस सीधे अपने BGMI वाले ID पे ट्रांसफ़र कर दिया, बस एकदम आसान तरीका रहेगा। अगर आपको ठीक लगा तो बताइएगा, अगर इसके अलावा आपको कोई और ट्रिक पता हो पॉपुलैरिटी बनाने का BGMI तो मुझे बताइएगा। मेरे हिसाब से तो सबसे आसान तरीका यही है, डेली एक मैच खेलो, एक दो मैच खेलो, क्लैन में से एक खरीद लो, इवेंट्स में से खरीद लो, मिलता रहेगा। अब भाई ये तो हो गया पॉपुलैरिटी की बात, अब आते हैं BGMI iOS के बारे में। तो देखो दोस्तों, बहुत लगभग 30-40% चांसेस बन रही है कि 12 या 14 अगस्त को जो अपडेट आने वाला है उसमें BGMI iOS के बारे में कुछ अपडेट हम लोग को मिल सकती है। अब ये नहीं कि लॉन्च होगा कि नहीं होगा ये नहीं पता, लेकिन उस अपडेट के बाद कुछ अपडेट्स हमें iOS के बारे में मिल सकती है, लेकिन कंफर्म मत समझिएगा। हो सकता है इस मंथ के लास्ट में आ जाएगा, अगस्त के लास्ट में BGMI iOS में आ जाएगा, BGIS मतलब इंडिया सीरीज से पहले। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आ जाए, तो देखिएगा क्या होगा, जैसे ही आएगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा उस पर भी। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।